हेलो स्टूडेंट्स आप सभी लोगों का ए ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एस एन वन और एस एन टू रिएक्शन अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे एस एन वन का मतलब होता है यूनी मालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन एस एन वन मीन्स मालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिस एसेंटू मीन्स बाई मालिकुलर बाई मालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और रिएक्शन एक्चुअली जो भी रिएक्शंस होते हैं उस रिएक्शंस में रिएक्टेंट रहेगा और रिएजेंट जो भी जो है रिएक्शन संपन्न होते हैं या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हों या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हों उस रिएक्शंस में रिएक्टेंट रहेगा और रिएजेंट रहेगा तो ऐसेन वन जो रिएक्शंस है एसन वन रिएक्शंस की मालिकुलरिटी वन होती है सबस्टेट की कंसंट्रेशंस के ऊपर जो है डिपेंड करता है या ये कहिए कि इसकी जो कंसंट्रेशन है सबस्टेट की कॉन्सनट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इस रिएक्शंस का जो मालिकुलेटी होता है वो दो होता है और इस रिएक्शंस की जब मालिकुलेटी दो है तो इसका जो रेट है सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों की कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एस एन वन रिएक्शन जो टर्शरी एल्किल है वो तेजी से शो करते हैं टर्शियरी एल्किल हेलाइड इसके बाद सेकेंडरी इसके बाद प्राइमरी इसके बाद मेथिल हेलाइड इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा मेथिल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्किल हेलाइड एस एन वन रिएक्शन ये टू स्टेप्स रिएक्शन होता है ये दो पदों में पूर्ण होता है एसन टू रिएक्शन ये वन स्टेप्स रिएक्शन होता है अर्थात एक पदों में पूर्ण होता है अच्छा ये दोनों जो रिएक्शंस हैं किसी भी एल्किल हैलाइड से हम लोग एल्कोहल में बदलते हैं जैसे मान लीजिए एल्किल हैलाइड है और कोई भी एल्कोहल ले लिए एल्कोहल के लिए एन से रिएक्शंस कराएंगे तो इस एक्स के जगह ओ OH आ जाएगा आर ओ एच प्लस एक्स माइनस तो इस दोनों रिएक्शंस के हेल्प से हम लोग किसी भी एल्किल हेलाइट को एल्कोहल में बदलते हैं दिस इज एल्किल हैलाइड दिस इज एल्कोहल तो ये है एस एन वन और एस एन टू रिएक्शन